जैसलमेर से कम 120 किलोमीटर आगे। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है और कहा गया है कि और इतिहास के अंदर लिखा भी गया है कि इस मंदिर के ऊपर कम से कम 3000 बम से अटैक किया गया था, जो कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इस तरह माता मंदिर को अटैक किया गया था, क्योंकि 3000 के लमसम यहाँ पे बम फेंके गए थे और जिसमें से 400 बम इस मंदिर के अंदर गिरे थे, लेकिन एक भी बम नहीं फूटा, गाइस सारे डिफ्यूज हो गए। तो उस दिन से आशा पड़ गई है कि तरह माता मंदिर के यहाँ पे भगवान है, तरोटवारा मंदिर का प्रचार है यहाँ पे, तो तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता हो गई है और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और माता जी के दर्शन भी करते हैं। और ये पूरा मंदिर आर्मी वालों के अंदर में आता है गाइस, और ये सारा जितना भी ये मंदिर है मैंने आपको पूरा ब्लॉग बता दिया है, अंदर से टोटल आर्मी वाले संभालते हैं। तो वीडियो को मैंने एंड तक मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के अंदर का पूरा व्यू, चलो गाइस। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, ये है मंदिर के अंदर का पूरा व्यू। कहा जाता है कि पाकिस्तान वालों ने हमला किया था 1965 के अंदर, जिसमें 3000 बम यहाँ पे गिराए थे। 3000 बम में से 400 बम इस तनोट माता मंदिर के ऊपर गिरे थे, लेकिन एक भी बम नहीं चला, सारा डिफ्यूज हो गए। तब से माता का प्रचार और लोगों के बीच में और ज़्यादा हो गया कि वास्तव में यहाँ पे मंदिर है और माता का प्रचार यहाँ पे है। तो उस दिन से आर्मी वालों ने इस मंदिर का पूरा देखरेख का जिम्मा उठाया और फौजी ही यहाँ पे सारा मंदिर का देखरेख करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। यह है मंदिर का पूरा व्यू और काफ़ी प्रचलित मंदिर है तनोट माता का मंदिर। ये जैसलमेर से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है सम के पास में, और यहाँ दान पत्र भी है, कोई भी अपनी इच्छा से दान करना चाहता तो कर सकता। सारे पुराने बम पड़े हैं, जो कि पाकिस्तान वॉर के अंदर 1965 के अंदर जो वॉर हुआ था वो सारे बम यहाँ पे पड़े हैं, मैंने आपको दिखा दिया वीडियो के अंदर। इस पीछे आर्मी लोग वगैरह सब फौजी वगैरह यहाँ पे प्रार्थना करने आते हैं और इन्हीं के अंडर में देख रेख की जाती है क्या इस तनोट माता मंदिर। यह है गाइस बाहर का व्यू, मंदिर के बाहर का। और ये है गाइस प्राचीनतम कुआ, पुराने जमाने में जो कुआ था, हमने मूवी के अंदर भी देखा होगा बॉर्डर के अंदर जो कुआ है वो यही कुआ है गाइस। ठीक है मूंडो चलो गाइस चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं ये क्या चीज़ है और इसके अंदर कोई वेपन डिस्प्ले वगैरह गन वगैरह भी है, तो गन वगैरह भी आपको दिखाएंगे और अंदर का सिनेमा हॉल है वो भी दिखाएंगे आपको। जब हम आपको लेके जाएंगे ऑडियो विजुअल हॉल के अंदर, इसके अंदर आपको पूरा दिखाया जाएगा कि तनोट माता मंदिर का क्या रोल है और इसकी क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री पूरी आपको दिखाई जाएगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, हो सकता है आपके काम की वीडियो हो तो वीडियो के एंड तक देखना गाइस, कैसे आर्मी वालों ने कैसा इसका संघर्ष करके कैसे
क्या क्या सीन रहा और मतलब क्या बम डिफ्यूज वगैरह हो गया सारा इसके अंदर बताया गया गाइस। तो बना रहो ब्लॉक के अंदर थिएटर रूम है बीएसएफ के तत्वावधान में स्थापित किया गया। इस संस्थान द्वारा अभी तक 7 कोर्सों के माध्यम से देश के तटीय राज्यों गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आदि के साथ बीएसएफ और सीआईएसएफ के कुल 427 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। बल के तोपखाना यूनिट की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई। अपने गठन के शुरुआती चरण में ही बल की आर्टिलरी विंग ने बांग्लादेश की आजादी के समय पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की नियमित सैन्य टुकड़ियों के साथ जिस निर्णायक ढंग से युद्ध लड़ा वो आज भी संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1971 के युद्ध के समय हथियारों तथा आयुध भंडारण की आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए बल के घटक केंद्रीय कर्मशाला एवं भंडार की स्थापना मध्य प्रदेश ग्वालियर में की गई। 1971 के युद्ध में सुरक्षा बलों को हथियारों के कल पुर्जे व आयुध की आपूर्ति को सुनिश्चित करने से लेकर आज तक ये बल देश में आयुध से जुड़े सामानों का निर्माण सफलतापूर्वक कर रहा है। 12 मई 1976 को सीमा सुरक्षा बल अकादमी जेकनपुर में स्थापित बल की अश्रु गैस इकाई देश में नॉन लिथल म्यूनिशन अश्रु गैस के गोलों के निर्माण की एकमात्र इकाई के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो प्रतिवर्ष 46 प्रकार के 6 लाख से अधिक नॉन लिथल म्यूनिशंस का निर्माण कर देश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 द्रोणाचार्य और 17 अर्जुन अवार्ड हासिल किए हैं। अभी हाल ही में संपन्न ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बल के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हमारे मिनी एंड टैंक, ओ अच्छा ये उस टाइम का टैंक है जो लगाया गया था लेकिन फूटा नहीं, जो क्रेन के ऊपर चलता है टैंक बम ML-51 MM-4 ही। गाइस ये पिस्टल पड़ी है, ये देखो अपने मोटर आपने देख लिया यहाँ का पूरा मंदिर का व्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह की वीडियो देखनी है तो बने रहो वीडियो के, और भी आगे वीडियो आती रहेगी ऐसी, आप सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और तरुण माता का मैंने पूरा मंदिर आपको दिखा दिया है, पूरा व्यू दिखा दिया है और चलो गाइस अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।